वेलकम फ्रेंड एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर मई मंथ के जितने भी पुरस्कार के लेटर के क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में करेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के स्टार्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 का पुरस्कार दिया गया है। इसका सही आंसर है ए, टी प्रदीप। टी प्रदीप को जो कि निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन करेंगे। जिसे हाल ही में 2020 पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, इसका सही आंसर है डार यासीन, मुख्तियार खान और चन्नी आनंद। इन तीनों को जो कि एक 2020 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ हम आगे करते हैं। ये पुरस्कार जीवन और हर 48 शमियों को दिए लिए दिया जाता है। इसी के साथ हम आगे करेंगे। हाल ही में 2020 में ही फेड कप हार्ट अवार्ड किस व्यक्ति को दिया गया है, इसका सही आंसर है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को जो कि एक फेड कप से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उसे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। इसी के साथ हम आगे करते हैं। हाल ही में वर्ष 2020 में ही किस व्यक्ति को बुक पुरस्कार दिया गया है, इसका सही आंसर है सी, ये तीनों अभिनव सूरी, कुलदीप यादव और संग्राम श्री सागर। इसे तीनों को जो कि एक बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में वर्ष 2020 में ही किस व्यक्ति को अलेक्जेंडर डेली रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसका सही आंसर है बी, राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव जो कि एक अलेक्जेंडर डेली रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ हम आगे करते हैं। इनको ये अवार्ड उनको बकाया के मानता है और भारतीय का योगदान हाइड्रोग्राफी के लिए दिया जाता है। इसी के साथ हम आगे करते हैं। हाल ही में वर्ष 2020 में ही किस व्यक्ति को अवार्ड कार्यक्रम के वर्ष के पुरस्कार जो कि न्यूयॉर्क बौद्धिक संपदा कानून एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया है, इसका सही आंसर है नीरज व्यास। नीरज व्यास जो कि एक न्यूयॉर्क बौद्धिक संपदा कानून एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया है। इसी के साथ हम आगे करते हैं। ये अवार्ड इलेक्ट्रॉनिक को आगे बढ़ाने में काम करे और उद्योग और की और सुधार की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसे अवार्ड दिया जाता है। हाल ही में वर्ष 2020 में ही किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र सैनिक सम्मानित किया गया है, इसका सही आंसर है सी, सुमन गवानी। सुमन गवानी को जो कि एक संयुक्त व्यक्ति को राष्ट्रीय सैनिक के सम्मानित किया गया है। इसी के साथ हम आगे करते हैं। ये उन्हें यूनाइटेड के साथ सेवा की है और दक्षिणी सूडान में राष्ट्रीय मिशन के साथ उसके ये सम्मानित किया गया है। इसी के साथ हम आगे करते हैं। हाल ही में वर्ष 2020 में ही किस व्यक्ति को क्रिस्टोफ मेरिएक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसका सही आंसर है ए, कवरेशा अब्दुल को जो कि एक व्यक्ति क्रिस्टोफ मेरिएक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।